हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम सीखेंगे रिएक्टिविटी सीरी। ये रिएक्टिविटी सीरी 10th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, 10th क्लास में यूज़ होती है। तो इसमें थोड़े कम एलिमेंट्स लिए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी सीरी बनाई जाती है। तो जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का साइंस का, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एंड थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनमें ये केमिकल, ये रिएक्टिविटी सीरी यूज़ होती है। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट्स है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। सो डाउन, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी है एलिमेंट्स की, वो डिक्रीज करती है। सो इन एलिमेंट्स को लर्न करने का एक तरीका होता है, न्यूमैनिक्स होता है। तो मैं न्यूमैनिक आपको बताऊंगी कैसे लर्न कर सकते हैं। सो हमारे एक कैलाश नाम का आदमी है, ठीक है, उसका जो माली है कैलाश नाथ का माली आलू, ज़रा, फीका, पकाता है, कॉपर, मरकरी, आम, आदमी, पार्टी। सो कैसे लर्न कर सकते हैं, के स्टैंड फॉर पोटाशियम, एन ए स्टैंड फॉर सोडियम, सी ए स्टैंड फॉर कैल्शियम, एम एम जी मैग्नीशियम हो जाएगा, ए एल एल्युमिनियम, जेड एन जिंक, ज़रा से, ठीक है, जेड से याद रख सकते हैं, एफ ई आयरन, पी बी याद रख सकते हैं हम लेड, एच हाइड्रोजन, कॉपर सी यू सिंबल होता है, मरकरी का सिंबल एच जी होता है, और सिल्वर का आम ए से याद रख सकते हैं ए जी, और गोल्ड का सिंबल ए यू हो सकता है आदमी, ए से याद रख सकते हैं, प्लेटिनम, प्लेटिनम पी टी से याद रख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।